स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शंस, डिफरेंट कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस कोर्स का नाम है बैचलर्स ऑफ साइंस यानी बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। ना हमने बीएससी इन एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करी थी, हमने उसमें आपको इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आप ऑनर्स नहीं करना चाहते तो वो कोर्स परस्यू कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी क्योंकि हमने उसकी लिंक अपडेट की हुई है। एंड और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना। सो हम बात कर रहे थे ऑनर्स। ऑनर्स क्या होते हैं, हम ऑनर्स क्यों करें? अगर इसके डिफ्रेंसिएशन की बात करें कि यार प्लेन बीएससी इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर ऑनर्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं ऑनर्स में आप बहुत ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन को अटेन करते हैं, यानी कि जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उसके आपको एकदम टू द डीप आप इन्फॉर्मेशन को अटेन करते हैं। ये जो डिग्री होती है ये आपकी बेस लेवल डिग्री होती है। अगर आपको इसी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है या फिर एमफिल करना होता है, डॉक्टरेट लेवल पे अगर आपको करना है, तो लोग परस्यू करते हैं इन मतलब ऑनर्स इन एग्रीकल्चर या ऑनर्स इन डिफरेंट फील्ड। आपने सुना होगा बीकॉम, बीकॉम प्लेन भी होता है, बीकॉम ऑनर्स भी होता है। तो ऑनर्स लोग इसलिए करते हैं टारगेट क्योंकि उन्हें आगे चल के पीएचडी करनी होती है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है इन द सेम फील्ड। सो ऑनर्स का डिफरेंशिएशन तो हमने समझ लिया। अब अगर हम बात करें ऑनर्स एग्रीकल्चर में हम क्या सीखने वाले, तो बेसिक कोर्स में तो आप ये सीखेंगे ही कि कैसे आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके मॉडर्न एग्रीकल्चर बना सकते हैं, फ्यूचर में कैसे वर्क कर सकते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, एंड इन एट प्रेजेंट की भी बात करें तो कैसे आप वर्किंग कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या प्लस पॉइंट होते हैं अगर हम इस फील्ड की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, क्या नेगेटिव होते हैं, क्योंकि अगर इस फील्ड में जा रहे हो तो इस चीज़ का आपको यू नो सब पता होना चाहिए, अच्छा भी पता होना चाहिए, बुरा भी पता होना चाहिए। इन दोनों का मेल बना के आप कैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में वर्क ऑन कर सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। ना अगर मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करके बताऊं कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको पढ़ाया जाता है अबाउट एग्रोनॉमी, जिसमें आपको बेसिक ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ाया जाता है, खारे प्रावी क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि आप कैसे उस क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उस क्रॉप को मैनेज कर सकते हैं, वीड मैनेजमेंट, कैसे आप इरिगेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली यार एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स की बात करें, पानी तो है इंपॉर्टेंट कि कैसे हम उसे ग्रो करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे। देन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट आपको एक सब्जेक्ट एंड टॉपिक होता है किसी भी, उसमें अगर आप ये पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप ऑनर्स पढ़ रहे हैं चाहे आप प्लेन पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको सिखाएंगे। फिर फार्मिंग टेक्निक्स होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आप अभी के रिसोर्स को यूज करके फ्यूचर के रिसोर्स को भी बचा के कैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर सकते हो। फिर आपको और भी टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं या सीखते हैं आप चीजें, प्लांट जेनेटिक्स क्या होते हैं, क्या बेसिक ऑफ जेनेटिक्स होते हैं, क्या बॉटनी होता है, बॉटनी के अंदर क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, कैसे आप प्लांट को समझ सकते हैं, कैसे आप एक प्लांट को यू नो रिसर्च कर सकते हैं, उसको देख के समझ सकते हैं कि यार इसका क्या, इसमें मतलब कितने देर पे ग्रो होने वाला है, कब हमें इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। फिर एंटोमोलॉजी होता है एक सब्जेक्ट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, पेस्ट मैनेजमेंट बताया जाता है, कैसे आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं फ्रॉम यू नो हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग। फिर आपको सिखाया जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पावर टूल्स कैसे यूज करके आप इंजीनियरिंग यू नो कैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर सकते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी होती है इतनी सारी, आप उसको कैसे चलाना सीख सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं इन ग्रोइंग योर क्रॉप्स। देन एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजीज होती हैं, मेट्रोलॉजीज होती हैं, इसमें आपको सिखाया जाता है क्लाइमेटिक पैटर्न्स के बारे में, हैजार्ड्स के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में, क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, वाटर फोरकास्टिंग सिखाई जाती है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि यार इरिगेशन नहीं है अगर हम लोग यू नो डिपेंडेंट ऑन रेन है, तो कैसे वाटर फोरकास्टिंग समझ के आप सोच सकते हो कि आपको कब सप्लाई ऑफ वाटर मिलने वाली है। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक होता है जिसमें आप सीखते हैं कि कैसे आप एक्सटेंशन मैथडोलॉजीज यूज कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, ये सारी एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। तो इसमें आपको इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर आप ऑनर्स का कोर्स परस्यू करते हैं, तो इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन एज इन कि आपको पूरा सिखाया जाता है। लाइक अगर 100 चीज़ें हैं ना, तो 100 आउट ऑफ 100 आपको सबको सिखा देंगे कि ये क्या है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप ए टू जेड इसकी सारी नॉलेज है आपके पास। सो ये बेसिक चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं। नाउ फाइनली अगर हम इस कोर्स की लेवल की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोर्स फीस की बात करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर होने वाली है इसी वीडियो में। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। इन केस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।
नाउ टॉकिंग अबाउट द बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर ऑनर्स के हाईलाइट ऑफ द कोर्स की बात करें तो ये कोर्स जो है आपका एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स, 4 साल का ही आपका कोर्स होता है, यानी 4 साल कंप्लीट करने के बाद आप एक ग्रेजुएट होते हैं, यानी बैचलर्स की डिग्री होती है आपके एक हाथ में। अगर हम इसकी बात करें एग्जामिनेशन टाइप की, तो इसका एग्जामिनेशन टाइप है एनुअल, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको एटलीस्ट होना चाहिए 10+2 कवर होना चाहिए, यानी 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी साइंस की स्ट्रीम है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, एंड दैट टू फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। नाउ आप सोच रहे होंगे मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली है, 50% जो है मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो इसमें भी लागू होते हैं, बट अगर आप एक दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ST SC OBC को बिलोंग करते हैं, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, यानी 45% भी अगर आपने अटेन किए हैं आपके 10+2 में तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि आपको देने होते हैं एंट्रेंस एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, कहीं पे मेरिट बेस भी हो जाता है, 10+2 का आपका देखते हैं स्कोर अच्छा है, 50%+ है, ले लेते हैं या उसको एडमिशन दे देते हैं, बट हर जगह नहीं होता है यार, कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि हम बात करें यार, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, प्राइवेट में भी अपने खुद का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर हम उनके एग्जाम्स के नाम की बात करें तो सारे एग्जाम्स का जो नाम है वो डिपेंड होता है कौन सी यूनिवर्सिटी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार नाम भी मुझे जानना है, एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या है, मैं तैयारी कर लूँ, तो उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड सोच रहे हैं किसी कॉलेज को ऑप्ट करना, तो हमने उस पर भी टॉपिक कवर किए हैं, वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएगी। कुछ बेसिक की मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो IGKVCET होता है जो कंडक्ट कराता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, फिर होता है PAU एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर होता है KEAM, तो ये भी एक केरला का कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस फ्रॉम केरला अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो ये एग्जामिनेशन आपको देना होता है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। फिर ICAR एंट्रेंस एग्जाम होता है, EAMCET होता है जो कंडक्ट कराता है एग्रीकल्चर कॉलेजेस इन आंध्र प्रदेश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट वाइज भी एंट्रेंस एग्जाम के नाम डिसाइड होते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज भी एंट्रेंस एग्जाम के नाम होते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप ये देखें कि कॉलेज वाइज कौन सा आप कॉलेज कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो ये तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बताया, अब मैं आपको बताती हूँ कि कोर्स की फीस कितनी होती है। तो बेसिक की अगर हम बात करें तो वो चालू होती है 5 से 10 हज़ार, कोर्स की फीस मैं आपको बता रही हूँ 5 से 10 हज़ार का एक ब्रैकेट दे रही हूँ, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख बहुत ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगेन कौन सी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करें टॉप जॉब पोजीशंस की, कि आप फाइनली 3 से 4 साल का कोर्स परस्यू करने के बाद बन क्या जाते हैं, क्या प्रोफाइल आप होल्ड करने वाले हैं, तो प्रोफाइल होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एग्रीकल्चर रिसर्च की, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन भी आप बन सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी आप बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, एंड स्कोप भी आगे आपका बहुत सारा है। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें तो कुछ नेम अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ तो रेलीज इंडिया लिमिटेड, एडवांटा लिमिटेड, ड्यूपॉन्ट इंडीज, इंडियाज नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज, रांची सीड्स, ABT इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्पेसिफाइड नाम है ना। अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लिंक करेंगे, यार इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप गवर्नमेंट प्रोफाइल में इजिली काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी आपको जॉब प्रोफाइल्स मिलती है, एंड प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स मिलती है, तो एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिक्रूटिंग एरियाज रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 2 से 4 लाख आप इजिली कमा सकते हो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपीरियंस कितना है, टैलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जरूरी नहीं है कि अगर आप 100 out of 100 भी ला रहे हो तो भी आपको जॉब मिल जाए, अगर आप 30 out of 100 ला रहे हो तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको, आपके पास टैलेंट है, आपका मार्क्स कम है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोफाइल है, आप कितने अच्छे हो उस प्रोफाइल में, आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ली है, आप कितने अच्छे से तैयार हो उस प्रोफाइल के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। बट बेसिक अगर हम बात करें तो 2 से 4 लाख तो आप आराम से कमा ही सकते हो। नाउ अगर हम आगे बढ़े और जॉब प्रोफाइल्स की, जैसे मैंने आपको बात करी कि मिनिमम जॉब प्रोफाइल से आप कितना अर्न कर सकते हो, ईच जॉब प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी इसी चैनल पे, इसी वीडियो में। सो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेल्स पीपल अगर आप बनते हो तो इसमें आप इजीली अर्न कर सकते हो 3 से 4 लाख, ये डिपेंड करती है कि आप कहाँ भी प्लेस हो रहे हो, ये भी डिपेंड करती है, ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसको एक डेफिनेट अमाउंट मत समझिएगा, ये हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजर आप बन सकते हैं जिसमें आप 9 से 10 लाख ईजिली कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेडर्स बन सकते हैं जिसमें आप 3 से 10 लाख ईजिली कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2 लाख से हो सकती है, 2-3-4 लाख एक्सपीरियंस के साथ साथ वो बढ़ती जाती है, एनिमल कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं उसमें भी इनिशियल सैलरी अगर हम सोचें 2 लाख 3 लाख 4 लाख इनिशियल सैलरी रहती है, एग्रीकल्चर मैनेजर अगर आप बनते हैं तो 2, यहाँ पे भी आपको 2-4-5 लाख पे आपकी सैलरी इनिशियल सैलरी स्टार्ट हो जाती है।
अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सिलेबस क्या है, ये भी बता दो कि यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो हम पढ़ेंगे, सिलेबस क्या क्या रहेगा, कौन से टॉपिक पे हम डिग आउट करने वाले हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन हमको मिलने वाली है, तो आपको बता दूँ बेसिकली आपको मैंने बताया था सेमेस्टर वाइज भी इसमें हो सकता है, बट एक आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है, यानी एक सेमेस्टर आपको टोटली इंटर्नशिप करनी होती है इन द फील्ड ऑफ रूरल एग्रीकल्चर, जिसमें आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाकी तो आपको इंटर्नशिप करनी रहती है एंड सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड टॉपिक्स जो आपके होते हैं वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपकी बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज में कवर होते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी एक डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, जिसमें सम ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक एनर्जी रिसोर्सेज एप्लीकेशन, एग्रो प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग। फिर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक डिपार्टमेंट होता है, फंडामेंटल ऑफ एग्री बिजनेस आप जिसमें सीखते हैं, उसका मैनेजमेंट करना सीखते हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी आपको बताया था, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर हेरिटेज, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इरिगेशन मैनेजमेंट, एग्रो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है। बेसिक आप ये समझ लीजिए कि यार एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या क्या आता है, सब कुछ आप उसमें सीखेंगे अगर आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल्स का मैंने आपको बताया दिया यार कितना हैंडसम सैलरी आप अर्न कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यार काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है उन लोगों के लिए जिनका अगर फैमिली बैकग्राउंड है जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, तो ये बेस्ट कोर्स आपके लिए है, आप इस कोर्स को परस्यू करिए। सब गाइडलाइंस तो मैंने आपको बताई दी, लेकिन इन केस अगर मुझसे अभी भी कोई टॉपिक रह गया या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स दिया है, कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए एंड एज सून एज पॉसिबल हम आपको उसको आंसर करेंगे। सो आई थिंक दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक, बैचलर्स ऑफ साइंस यानी बीएससी इन ऑनर्स एग्रीकल्चर, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, जो कि आप अभी तक देख रहे हैं तो अच्छा लग ही रहा होगा, तो यार प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वॉज मी निमिषा जजानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड।